जय जीवतानी। ब्यूटी पैदा एस्ट्रोलॉजी की फाउंडर मैं कामिनी खन्ना, आप सभी समझदार दर्शकों के साथ एक बार फिर साप्ताहिक राशिफल लेकर हाजिर हूँ। ये साप्ताहिक राशिफल तारीख 23 अक्टूबर 2022 से लेकर तारीख 30 अक्टूबर 2022 तक का है। इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का मैं विवरण दूँ। सबसे पहले आप सबसे नम्र विनंती कर दूँ कि सब्सक्राइब कीजिए मेरा ये यूट्यूब चैनल youtube.com/beautywithastrology। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो पॉपअप होकर ऊपर बेल बटन आएगा और उसे क्लिक करते ही मेरे चैनल की सभी जानकारियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचती रहेंगी। मैं जो राशिफल बताती हूँ वो लग्न के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टेंसी चाहिए उनके लिए व्हाट्सअप नंबर मैंने दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले मैं आप सबको ढेर सारी मुबारकें और शुभकामनाएं दे दूं दीपावली के लिए। ये दीपावली आपके जीवन में ऐश्वर्य, आरोग्य, संपदा, स्वास्थ्य, खुशियां लेकर आए और आप अपने परिवार के साथ सुखी रहें। चलिए आइए इस सप्ताह में होने वाली घटनाओं का विवरण जानते हैं। तारीख 23 को चंद्रमा कन्या राशि में रहेंगे और मासिक शिवरात्रि है इस दिन, तो शिव जी की पूजा आप कर सकते हैं। याद रखें कि 22 तारीख को मतलब शनिवार को धनतेरस होके हटी है गुरु द्वादशी, धन्वंतरी जयंती, उसकी भी मैं अब आपको शुभकामनाएं देती हूँ। आशा करती हूँ आपने दीपावली की शुरुआत की पूजा अच्छी की होगी। आज हो रहे हैं शनि मार्गी, तो 23 तारीख को शनि मार्गी सुबह 9:39 पर बधाइयाँ जी, बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। अब लोगों के जीवन से त्रास, तबीयत खराब का मसला, पैसे ना आने की झंझट और बहुत सारा कलेश कलह खत्म हो जाएगा। याद रखें मैंने शनि मार्गी का बहुत विस्तृत वीडियो दिया हुआ है, तो उस पर गौर फरमाएं और देखें उसको कि मैंने क्या कहा है, शनि के उपाय क्या कहे हैं, कैसे कैसे विस्तृत जानकारी दी है मेष से लेके मीन राशि के विषय में। 24 तारीख को नरक चौदस है, अभंग स्नान है और चंद्र का उदय सुबह 5:20 पर होगा। इसी दिन लक्ष्मी कुबेर पूजन है। आप सबको दीपावली की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। याद रखें इसी दिन सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश करने वाले हैं सुबह 12:18 पर। 25 तारीख को दर्श अमावस्या है, अभंग स्नान है और खंडग्रास सूर्य ग्रहण है जो कि भारत से दिखेगा। इसी दिन बुध अस्त हो जाएंगे और इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको इसका भी वीडियो मिलेगा जो सूर्य स्वाति नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो अमावस्या समाप्ति 4:18 पर होने वाली है। उदया तिथि है अमावस्या की, लेकिन ग्रहण के होने की वजह से मुझे लगता है दीपावली की जो पूजन है वो 24 तारीख को ही मनाई जाएगी। 26 तारीख को बलि प्रतिपदा है और न्यू ईयर है। कई कास्ट में जैसे गुजराती लोग न्यू ईयर मनाते हैं, इसे मराठी में दिवाली पाड़वा कहते हैं और विक्रमी संवत 2080 आनंद नाम संवत्सर और महावीर जैन संवत 2549 गोवर्धन पूजा, अन्नकूट, यम द्वितीया और भैया दूज की ढेर सारी शुभ मंगल कामनाएं। आप सभी बहनें अपने भाइयों को बधाइयां देने भैया दूज में जाएंगी तो साथ साथ उन्हें कई सारे आशीर्वाद भी देते आइएगा, वो भी आपका ध्यान रखें, ऐसे प्रभु से मैं प्रार्थना करती हूँ। 27 तारीख को बुध तुला राशि में प्रवेश करने वाले हैं 1:48 पर, जिसका वीडियो आपको मिल चुका है। इसी दिन ग्रहण का करी दिन है। 28 तारीख को विनायक चतुर्थी है, गणेश जी का पूजन होगा इसी दिन और 29 तारीख को पांडव पंचमी है, ज्ञान पंचमी है, लाभ पंचमी है। 30 तारीख को सूर्य षष्ठी है, तो सभी हमारे बिहार के और महाराष्ट्र के और पूर्ण भारत में जितने भी लोग होंगे जो सूर्य षष्ठी मना रहे होंगे उन सबको ढेर सारी शुभ मंगल बधाइयाँ छठी मैया की। तो चलिए हम जानते हैं मेष से लेके मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इस सप्ताह के ग्रहों का। आप सबको जैसे मालूम है कि बुध शुक्र और सूर्य का संयोग हो रहा है इसी सप्ताह में, चतुर्ग्रह योग बन रहे हैं, केतु भी साथ में रहेंगे, तो उसी के विषय में आज हम जानेंगे। इस सप्ताह में जो चतुर्ग्रह योग बनेगा उसका सब पर बहुत प्रभाव रहेगा। उसके अंदर एक बात देखने वाली होगी कि सूर्य शुक्र केतु और बुध एक जगह पर बैठे हैं लेकिन उन पर शनि की दृष्टि भी है, और ये भी देखने वाली बात होगी कि सूर्य को ग्रहण लगने वाला है तो
तो सूर्य का जो यह ग्रहण होगा प्रभावशाली रहेगा। इसलिए सिंह लग्न वालों को, जिन लोगों के लिए जिस जिस भाव में सूर्य की स्थिति कैसी है, सिंह राशि है, उन लोगों को उस भाव के लिए सतर्क रहना है। ऐसे समय पे गायत्री के जाप करना, ग्रहण के समय पे आदित्य हृदय स्तोत्र के पाठ करना आप लोगों के लिए बहुत उचित रहेगा। ये भी बता दूँ कि शनि की दृष्टि है सूर्य पर, और सूर्य राहु के नक्षत्र में चले जाएंगे, शुक्र उनका दुश्मन है उसके साथ बैठे हैं, तो केतु भी उनका दुश्मन है उसके साथ बैठे हैं। सिंह लगन वालों, आपको रोज़ 5 माला कम से कम गायत्री की करनी चाहिए, कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर सूर्य की रोशनी में बैठेंगे, सूर्य को आत्मसात करेंगे, ओम के जाप करेंगे, सूर्य आपकी रक्षा करेंगे। मेष राशि के लिए अब मंगल प्रवेश कर चुके हैं मिथुन राशि में, तो याद रखें आपके लग्नेश है मंगल, अपनी तबीयत संभालिएगा। अपने किसी भी प्रकार से खांसी सर्दी और आपको कफ की प्रॉब्लम है या आपको कोई त्वचा की प्रॉब्लम है तो आपको संभल के रहना है, यात्रा में संभल के जाना है। और दीपावली के दिन आपको कोई भी पटाखाबाजी, कोई ऐसा चीज़ जिसमें आपको चोट वोट लगे, वो सब काम नहीं करना है। याद रखें आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं भरपूर। और ये जो चतुर्ग्रही योग बन रहा है आपके सन्मुख, इसमें आपको वैवाहिक जीवन से फुल सपोर्ट, महालक्ष्मी आने के पूर्ण संकेत, आपके व्यवसायिक पार्टनर से आपको खूब सपोर्ट, और दीपावली बहुत अच्छी जाएगी। ये शुभ संकेत क्योंकि शनि भी मार्गी हो गए हैं, और शनि मार्गी होने के कारण अब आपको कई सारे काम बनते नज़र आएंगे। धन के, पैसे की आवक, केसेस विवाद पे जो खर्चे हो रहे हैं, आगे चल के उससे फ़ायदा भी होगा, तो डरने की ज़रूरत नहीं। अभी गुरु वक्री अवस्था में है तो आपके प्रेम संबंध अभी तक ठीक नहीं हुए हैं, तो प्रेम संबंधों में स्पेस बना कर रखें और ख़राब ना करें संबंध। याद रखें कि सूर्य भी नीच के आपके दिमाग के स्वामी हैं और बैठे हुए सप्तम भाव में, तो आपको किसी प्रकार से गलत भ्रम होना या बच्चों के विषय में भ्रम होना या गलत डिसीजंस लेना या अध्ययन पढ़ाई में पीछे हट जाना, ये सब नहीं करना है। अपने कार्य सुचारू रूप से करने के लिए सूर्य की आराधना, गायत्री के जाप आप निश्चित रूप से करते रहें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूँ सूर्य के उपायों का, मंगल के उपायों का, आप ज़रूर देखें। विद्यार्थियों के लिए थोड़ा टफ टाइम है, प्रेम संबंध वालों के लिए भी थोड़ा टफ टाइम है, लेकिन दीपावली कार्यों के लिए, व्यवसायों के लिए बहुत शुभ है। वृषभ राशि के लिए आपके लग्नेश शुक्र अब बलि होंगे बुध का साथ पाकर सप्ताह के मध्य में, और आप अपने कई सारे काम निपटा पाएंगे, लोन से रिलेटेड, मामा पक्ष से सपोर्ट। आपको कई सारे काम ऐसे भी मुझे नज़र आते हैं जिसमें आप बैंकिंग रिलेटेड व्यवहार कर सकते हैं। आपके कार्यों की जो झड़ी लगेगी, ऑफर लगेगी, बहुत बढ़िया काम होंगे अब, और आप बड़ी सुखी रहेंगे नए नए कामों के साथ। आने वाले दिनों के ऊपर जो काम होने वाले उसके खर्चे भी हो सकते हैं, लेकिन आपको इन दिनों अपने धन को संचित रखने की व्यवस्था करनी चाहिए, अंधाधुंध खर्चा नहीं करना चाहिए, परिवार के साथ बना के रखनी चाहिए और दीपावली उनके साथ खुशी खुशी मनानी चाहिए। आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनके साथ भी बना के रखें। और इसके साथ मैं आपको एक बात और कहूँ, आपकी माता की तबीयत का आपको ध्यान रखना है, इसलिए आप सूर्य को जल नहीं चढ़ा सकते, लेकिन उन्हें कह सकते हैं कि वो सूर्य को जल चढ़ाएं और गायत्री के जाप करें। शनि की स्थिति अब बहुत अच्छी हो गई है आपकी कुंडली में, इसलिए कार्यों पर कॉन्सेंट्रेट करें, कार्य बढ़ने की पूर्ण व्यवस्थाएं हो चुकी हैं, और बुध की स्थिति भी बहुत अच्छी है, इसलिए अध्ययन पढ़ाई, अपने बच्चों के साथ मिलके कोई व्यवसाय करना बढ़ना आपके लिए बहुत उचित रहेगा। धन की व्यवस्था छिटपुट है, लेकिन होता रहेगा, आता रहेगा धन, तो जितना है उसमें आनंद बनाइए, जीवन यही कहता है। मिथुन राशि के लिए अब आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति बन गई है, शुक्र अस्त है, मैं मानती हूँ माइंड के स्वामी, बच्चे परेशान कर रहे हैं, आपके हेल्पर्स परेशान कर रहे हैं, आपको घर से सुख नहीं है, लेकिन फिर भी बुध का मान संभालेंगे और आप व्यवसायिक रूप से फिर भी आगे बढ़ पाएंगे, आप मेहनत करेंगे। आप अभी शनि मार्गी होते ही मेहनत भी बढ़ा देंगे, ऑफर्स भी बढ़ जाएंगे, धीमे धीमे आपका कार्य बढ़ने वाला है, इसलिए कमर कस लीजिए। पैसे आपको आते रहेंगे थोड़े थोड़े दिनों में, अगर समझिए एक हफ्ता नहीं आया तो अगले हफ्ते ज़रूर आ जाएंगे, ऐसे राहु ने व्यवस्था की है। मंगल लग्न में है, तबीयत ना बिगाड़े, सर्दी जुकाम बुखार कुछ ना करे आपको, और किसी प्रकार से आप अपने फेफड़े नाक कान गले से रिलेटेड परेशानी ना, इसलिए भाप लेते रहें, काढ़ा पीते रहें और अपनी तबीयत को ठीक रखें, ज़्यादा उछल कूद ना करें। दिवाली में जिसे चोट वोट लगे, बच्चों के लिए थोड़ा टफ टाइम है, आपको सप्ताह के मध्य के बाद काफ़ी
शांति मिलने वाली है उनसे, और अपनी अध्ययन पढ़ाई में, उनके अध्ययन पढ़ाई में कार्यों पे जूझना है, लेकिन धन की व्यवस्था आपके लिए होती रहेगी। कर्क राशि, कर्क राशि के लिए आपके जो लग रहे हैं चंद्रमा, वो अब आपके लिए बहुत अच्छे संदेश लेकर आए हैं इस सप्ताह में। लेकिन याद रखें, सप्ताह की शुरुआत में ये कहानी है, उसके बाद आपको थोड़ा सा टफ टाइम देखना पड़ेगा लग्न के हिसाब से। इसीलिए आपको क्या करना है, शिव जी की आराधना, महामृत्युंजय का जाप। वैसे बता दूँ आपके कि कई सारे काम आपके मीडिया और आर्ट से रिलेटेड बन रहे हैं, और आपके वैवाहिक जीवन से व्यावसायिक पार्टनर से इतना सपोर्ट है कि वो भी आपके काम कर रहे हैं। आपकी माता की तबीयत तो संभालनी है, लेकिन उनसे सपोर्ट है आपको बहुत बड़ा। और साथ में ये भी समझिए, घर में व्यवस्था भी वो ही चलाते हैं। वाहन लाने के योग अभी नहीं बने, लेकिन ला सकते हैं, लाना है जूझ झाझ के तो ले आइए। और अभी अपना दिमाग आपका शांत नहीं होता, बेचैन होते हैं, रोते गाते हैं, तो आप गणेश जी की आराधना करें। वैसे दिवाली आपको बहुत अच्छी जाने वाली है, चतुर्ग्रही योगों से आपकी प्रॉपर्टी की और वाहन की व्यवस्था हो सकती है। पैसों का आना और पैसों का थोड़ा सा किल्लत, आधे अधूरे आना, इसलिए आप सूर्य को जल चढ़ाइए और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करते रहिए। सिंह राशि, सिंह राशि के लिए आपके लग्नेश थोड़े से अस्वस्थ हैं, नीच के हुए और शुक्र के साथ, केतु के साथ, राहु के नक्षत्र में। ऐसे में आपको सूर्य की आराधना करना, सूर्य ग्रहण भी है, तो आपको हर प्रकार से अपनी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, और आप पर शनि की दृष्टि भी है, तो आपको एकदम कड़क होके एक माला तो रोज़ कर ही लेना गायत्री की, ये ज़रूरी है। याद रखें, आपके पिता का सहयोग लीजिए, उनकी तबीयत का भी ध्यान रखें, और आपकी यात्राओं पर निकले तो अपनी दवाइयाँ और खाना पीना साथ लेकर चलें। आपके साथ अगर मैं एक अच्छी बात बताऊं जो है, वो धन की व्यवस्था आपकी होती रहेगी, पैसों की व्यवस्था में आपको कमी नहीं आएगी, और ये किन प्रकार आपके काम भी होते रहेंगे, जो अड़ंगे हैं थोड़े बहुत, और उनको निकालने के लिए आपको गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, और महालक्ष्मी की, जो दीपावली के दिन भी की जाती है। और दीपावली का पूजन खुशी से कीजिए, क्योंकि आपके कई सारे काम विदेश रिलेटेड भी बनने वाले हैं, और कई सारे काम आपके ऐसे हैं जो बैंकिंग रिलेटेड हैं, जो लोन से रिलेटेड हैं, वो अब बन जाएंगे, क्योंकि शनि मार्गी हो गए हैं और शनि की पोजीशन बहुत इन दिनों अच्छी है आपकी कुंडली में। कन्या राशि, कन्या राशि के लिए आपके लग्नेश हैं बुध, और अच्छी व्यवस्था में हैं, पैसा ला रहे हैं, धन ला रहे हैं, परिवार से सपोर्ट दिला रहे हैं, बोलने चालने के काम, सिंगिंग कंसल्टेशन, काउंसलिंग से आपको फ़ायदा हो रहा है। कुछ जैसे बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाए किसी को, और आपके बहुत सारे काम बन जाए, ऐसी स्थिति बनने वाली है। तो क्योंकि शनि मार्गी हो चुके हैं, माइंड सही चलेगा, डिसीजन सही लेंगे, बच्चे भी आपका सपोर्ट करेंगे, दिवाली बहुत अच्छी जाएगी, और जो चतुर्ग्रही योग बनेगा वो खूब सारा इधर उधर सब जगह से पैसे लाएगा, तो उसको धन को संचित कर लीजिए, जो कि बहुत ज़रूरी है। एक बात और याद रखें, आपके कई सारे काम जिसमें शामिल हैं आपके विवाहित जीवन के पार्टनर, व्यावसायिक जीवन के पार्टनर, तो वो अभी थोड़ा सा स्थगित है, लेकिन काम तो वो करेंगे और सपोर्ट तो आपको करेंगे। एक बात और है, वर वधू का चयन कर रहे हैं इन दिनों, तो अब आपके डिसीजन सही होंगे, वर वधू चयन करना तो कर लीजिए, अगले महीने 24 नवंबर के बाद आपकी शादी के योग भी बन जाएंगे। अभी फ़िलहाल तबीयत संभालने की ज़रूरत है, दीपावली में ज़्यादा मिठाई, बाहर के खाने, नमकीन, चिवड़ा, समोसे, ये सब तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, नहीं तो पेट खराब होने की संभावना है, और पानी वगैरह भी संभल के पीजिएगा। वैसे दीपावली की ढेर सारी आपको शुभकामनाएं, जो धन आ रहा है उसको संचित कर दीजिए, भले ही जितना आता है उसमें से थोड़ा निकाल के जमा कीजिए। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एपी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशंस ओपन हैं अभी फिलहाल। आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई। तुला राशि, तुला राशि के लिए लग्न में चतुर्ग्रह योग बनने वाला है, आपको कई सारे ख्याल आएंगे अपनी पर्सनालिटी से रिलेटेड, मुझे ये भी काम करना है, वो भी करना है, लेकिन थोड़ा सा पुश नहीं है, तो ये पुश मिलने के लिए, क्योंकि आपके लग्नेश अस्त हैं, पुश मिलने के लिए आपको क्या करना चाहिए, महालक्ष्मी के जाप, चलते फिरते बोलते रहिए ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, और साथ साथ
महाकाली का के भी मंदिर जा सकते हैं, दुर्गा की आराधना कर सकते हैं, दुर्गा सप्तशती के पाठ कर सकते हैं। दीपावली आपको बहुत शुभ जाएगी क्योंकि घर की व्यवस्थाएं बढ़िया, माँ ने कमान संभाल ली, वाहन आ सकता है, प्रॉपर्टी आ सकती है, कई सारे काम आपकी माता ही संभाल लेगी, बच्चे ही संभाल लेंगे, उन पर खर्च भी हो सकता है लेकिन शुभ खर्च होगा उनकी अध्ययन पढ़ाई और आपके अध्ययन पढ़ाई पर, और आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं। आपके विवाहित जीवन में जो कलह क्लेश है उस पर अब बहुत सारे ग्रहों की दृष्टि है, हो सकता है आपके मामले सुलट जाएं, हो सकता है आपके काम बन जाएं, और हो सकता है कि आपके कई सारे जो कलह क्लेश थे वो ख़त्म हो। अभी इस इन दिनों जो मंगल की व्यवस्था है वो आपको काम तो करवाती है उनके साथ, लेकिन मतभेद और बेचैनी परिवार से अगर होती है तो याद रखें दीपावली ख़राब नहीं करनी है, उनके साथ मिलके मनानी है, इसलिए एंजॉयमेंट में रहें, आनंद में रहें, ये मन की स्थिति होती है एंजॉयमेंट, और आप कंफ्यूज ना हो कई सारी बातों से, आपको घर में कमान संभाल के चलना है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लिए आपके लग्नेश मंगल अष्टम में बैठे हैं, जाके विशेष रूप से एक्सरसाइज, योग, मेडिटेशन, तबीयत संभालने के लिए पूर्ण व्यवस्थाएं कीजिए, हरी सब्जियां खाइए, गणपति जी की आराधना कीजिए मंगलवार को, और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप कीजिए। दीपावली आपको बहुत शुभ जाने वाली है, विदेश रिलेटेड कामों से रिलेटेड, और वहाँ से आपको फ़ायदा भी होगा, खर्च भी हो सकते हैं बड़े बड़े, तो खर्च मत कीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने खर्च, और प्रेम संबंध एक से अनेक ना हो इसका भी ध्यान रखना है, 10 जगह मन नहीं भटकाना है। अगर आप विवाहित हैं तो आपके प्रेम संबंधों को बीच में मत लाइए और अपने विवाह में ईमानदार रहिए। आपके व्यावसायिक पार्टनर के साथ भी आपके कई सारे काम बन सकते हैं, और धन आप विदेशों से कमा सकते हैं, इसलिए अब उस पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं। आपके इन दिनों आपको गायत्री का जप करना और सूर्य की रोशनी में बैठना बहुत ज़रूरी रहेगा, पिता की तबीयत संभालना भी ज़रूरी रहेगा। दीपावली को हर प्रकार से शुभ बनाने के लिए मैंने पहले ही उपाय बताया है, ओम महालक्ष्मी नमः के जाप चलते फिरते करते रहिए, धन आएगा, संचित भी होगा, माइंड भी सही चलेगा, बच्चे भी खुश रहेंगे, एक आनंदी स्थिति रहेगी माइंड की, और ये छोटा सा उपाय है आपको करना है। धनुराशि आपके लिए, आप बहुत गुस्सा करने लगे हैं आज, बस अब आई खड़ी शनि की मार्गी होने की स्थिति, और अब आप थोड़ा सुधर जाएंगे, आपके काम भी बनेंगे, पैसे भी आएंगे जो पैसे नहीं आ रहे थे, और आपके कई सारे जगह से पैसे आएंगे, विवाद के इससे मुक्ति भी मिलेगी, लेकिन खर्च भी बड़ा बड़ा हो सकता है याद रखें। तो विवाहित जीवन और व्यावसायिक पार्टनर से सपोर्ट नहीं है इन दिनों, और प्रेम संबंधों से सपोर्ट भी नहीं है, तो माइंड का भी सपोर्ट नहीं, बच्चों का भी सपोर्ट नहीं, तो इस सब से मुक्ति पाने के लिए आपको हनुमान जी की आराधना, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, और साथ साथ आपको गणेश जी की आराधना, गणेश जी के पाठ पढ़ना, या गंग गणपति नमः या अथर्वशीर्ष के पाठ पढ़ना बहुत अच्छा रहेगा। आप सूर्य को भी जल चढ़ाते रहिए। दीपावली में बहुत सारा पैसे की व्यवस्था होने वाली है, जो आपको आगे खर्च भी करना है, जो दिखाई दे रहे हैं विवाद केसेस में ना पड़ते हुए, वो पैसे खर्च करने के लिए पहले कमाना तो पड़ेगा ना, तो पहले कमाने की व्यवस्था देखें कि पैसा कैसे आएगा और उसकी व्यवस्था करें, तो जो आ रहा है पैसा उसको रोके नहीं, काम को मना मत करें और काम लेते जाएं। पिता से पूर्ण सहयोग है, पिता के कारण ही आपको धन आएगा, आपके कार्यस्थल पर आपके कार्यों की तारीफ होगी, यही है, आप बहुत ज़्यादा स्टबन ना बने, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा ईजी गो रखें। मकर राशि, क्या ही बात है, बधाइयाँ जी बधाइयाँ मकर राशि वालों, आपके लग्नेश मार्गी हो गए। अब आपकी राशि मकर है, मैं लग्न के अनुसार बताती हूँ, राशि मकर है तो 7.5 तो है, तो हनुमान जी की आराधना करना और शिव जी की आराधना करना, महामृत्युंजय के जाप करना आपके लिए उचित रहेगा। याद रखें अगर लग्न मकर है तो आप निकल पड़ी, आपकी कई सारे काम आपके बनते नज़र आते हैं, धन भी आता है, पैसा भी आता है, खर्च भी होता है, खुशी भी मिलती है, घर की व्यवस्था संभाले रखें, माता की तबीयत का ध्यान रखें, और जो चतुर्ग्रही योग बनेगा दशम स्थान पे, तो इतना याद रखें कि पिता के सहयोग से और कई लोगों के सहयोग से आपके कई सारे काम बनते नज़र आते हैं मुझे, तो उन कामों पर ध्यान दीजिए। आपके कामों पर ध्यान देना ही आपका कर्तव्य है इन दिनों, क्योंकि वो जो ऑफर्स आ रहे हैं उनको कन्वर्ट कीजिए पैसे में, तो आगे चल के आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अभी गुरु की भी स्थिति बहुत अच्छी है, विवाह के योग बने हुए हैं, शुक्र की स्थिति अपने घर में बैठा है, मानसिक रूप से थोड़ा सा बूझे हुए हैं आप, लेकिन आपको फिर भी कुछ ना कुछ आसरा मिल जाता है, भगवान की कृपा रहती है, अध्ययन
पढ़ाई वगैरह आपकी अच्छी चलेगी, दीपावली बहुत शुभ जाएगी क्योंकि एक से अनेक कार्यों की चर्चा होगी, एक से अनेक कार्य बनाने की बात होगी। सिर्फ आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के ओम बोलना है क्योंकि इन दिनों सूर्य जो नीच के हैं और उन पर आपके लग्न के लग्नेश की दृष्टि और राहु के नक्षत्र में ये सब जो चक्कर है उसके लिए आपको सूर्य की रोशनी में बैठ के थोड़ा सा धूप स्नान लेना है, D3 कैल्शियम कम नहीं करना है, अर्थराइटिस स्पॉन्डिलाइटिस से बचना है और ये इनके इन प्रकार अपनी तबीयत ठीक रखनी है। बच्चों के लिए पीरियड अच्छा है, एंजॉयबल है, दीपावली अच्छी शुभ जाएगी उनके लिए। प्रेम संबंधों वालों के लिए ठीक ठाक है, कार्य के लिए बहुत अच्छा है। कुंभ राशि आपके लिए अब कार्य खुलेंगे, विदेश रिलेटेड कई सारे काम बन जाएंगे, आपके खर्चे और प्रेम संबंध ये जुड़े हुए हैं आपस में तो ये भी बनते नज़र आते हैं मुझे, और आपके कई सारे काम जिसमें धन की व्यवस्था आपको चाहिए तो वो छिटपुट तो आ ही रहा है, ऐसा कुछ नहीं कि धन रुका हुआ है, राहु ने संभाली हुई है कमान, वो आपको ऊंची ऊंचाइयों पर लेके जाएगा और एक दिन धन भी देगा, लेकिन फिलहाल आपको जो धन चाहिए वो आप ओम महालक्ष्मी नमः के जाप या आप नारायण की पूजा करके पा सकते हैं। याद रखें आपको सुहाता है वैसे तो हरे कृष्णा बोलना, लेकिन इन दिनों आप नारायण की पूजा करके देखें आपको धन भी आएगा, और साथ में आप ये जो चतुर्ग्रह योग बनाए ना, नए नए ऑफर्स आ रहे हैं, अब नए नए ऑफर्स आ रहे हैं तो आप उनको मना मत कीजिए, नए नए ऑफर्स लेते जाइए, काम को बढ़ाते जाइए, आगे चल के काम बहुत बड़ा हो जाएगा और आपसे संभाले नहीं संभलेगा, इतना काम होने वाला है 17 जनवरी के बाद, आपकी पर्सनैलिटी में जो निखार आएगा उसी से कई सारे काम आपके बनने वाले हैं। वैवाहिक जीवन में विघटन ना करें, कलह क्लेश ना करें, झगड़े ना करें, व्यवसायिक पार्टनर के साथ भी संभल कर रहें, स्पेस बना के चलें। बच्चों के लिए स्थिति बहुत अच्छी है, अब बहुत बड़े बड़े काम उनके बनेंगे, आपके भी बड़े बड़े काम बन सकते हैं, मित्रों के सहयोग से व्यवसाय आपका खूब बन सकता है, आगे बढ़ सकता है। मीन राशि, मीन राशि के लिए आपके लग्नेश हैं गुरु और वो बकरी हैं, तबीयत को थोड़ा संभालते हुए हर काम करिए आप, तो मीन राशि वालों के लिए जो चतुर्ग्रह योग बना हुआ है आपके अष्टम स्थान में वो कहता है कि आपको हर प्रकार से तबीयत संभालनी है, अब अगर आप मीन लगन भी हैं राशि भी हैं तो भी आपको तबीयत संभालनी है, आपको कोई भी ऐसा काम नहीं करना है जिसमें आप ज़्यादा गलत खान पान करें, तो जितनी सारी प्रॉब्लम होगी सब खाने पीने से या प्रजनन अंगों की वजह से होगी, तो गलत संबंध रखना या गलत बाहर मार्केट में खाना ये सब मत करिएगा। वैवाहिक जीवन में पटाखे रखिएगा, उनका सपोर्ट आपको मिलता रहेगा तो आप आश्वस्त रहेंगे, ये भी याद रखें कि आपके परिवार का सपोर्ट आपको इन दिनों कम है क्योंकि आपके बोलने चालने की भाषा ठीक नहीं है, उसको ठीक कीजिए और व्यवसाय को बढ़ाने की बात कीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ है तो आप शिव जी की आराधना करें और ओम महालक्ष्मी नमः के जाप करें, आपकी सब तकलीफें दूर होंगी। याद रखें आपके जो बने हुए हैं व्यवसाय और जो पैसे आ रहे हैं वो अब निरंतर आएंगे और आपको जल्दी जल्दी ठीक हो के सब काम संभालने हैं। दिवाली बहुत शुभ जाने वाली है आपको और आपके धन की व्यवस्था पूर्ण रूप से हो रही है ताकि आपके काम खर्चे सब ठीक से चलता रहे, प्रेम संबंध भी आपके पहले से ज़्यादा सुधर जाएंगे। तो ये था साप्ताहिक राशि भविष्य, मैं कामिनी खन्ना बता रही थी आपको, फिर मिलूंगी इसी तरह साप्ताहिक राशि भविष्य लेके, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का नारा है, पौधे लगाएं, व्यवसाय बढ़ाएं, पोल्यूशन घटाएं, बुध की स्थिति को अच्छा करें, पर्यावरण की स्थिति को अच्छा करें और हर प्रकार से बुध को उजागर करें ताकि आपके जीवन में व्यवसाय की कमी ना हो और आपके जीवन में खुशियां रहें। राहु केतु और शनि की शांति के लिए माता पिता बुजुर्गों की सेवा करें, ये मेरा ब्यूटी विद एस्ट्रोलॉजी का हमेशा नारा रहता है। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड गुड बाय, आज्ञा दीजिए, धन्यवाद और नमस्कार। क्या आपके बच्चे पेंडेमिक के दौरान ऑनलाइन लर्निंग से त्रस्त हो गए थे, सोशलाइज नहीं कर पा रहे थे? तो लीजिए, आपके लिए एक बहुत बड़ा मौका है, एपी मॉमी प्ले ग्रुप एंड लर्निंग सेंटर। सोशलाइज कर पाएंगे अपने क्रिएटिव स्किल्स को अब हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे, और एडमिशंस ओपन हैं अभी फिलहाल, आप इंक्वायरी के लिए फ़ोन कर सकते हैं तुरंत से 9820489753। एड्रेस है ओशिवारा, अंधेरी वेस्ट, मुंबई।